फ्रेंड्स नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग अच्छे। ज्योत्सना किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाए हैं मिक्स वेज सेवई बनाए हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। सुबह का नाश्ता में भी आप ले सकते हैं या शाम के नाश्ता में ले सकते हैं। तो बन भी जाती है बहुत जल्दी झटपट, और जो देख सकते हैं कितना सुंदर बना है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो जो है आप इसको लंच में भी ले के जा सकते हैं, बच्चों का टिफिन में भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेसिपी को कैसे बनाए हैं। तो थोड़ी सी भी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर कर दे और कमेंट्स में बताए कैसे लगी मेरी रेसिपी। तो फ्रेंड्स रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हम एक शिमला मिर्चा ले लिए हैं, काट लिए हैं। यहाँ पे छोटे गाजर ले लिए हैं। यहाँ पे कुछ बीन्स ले लिए हैं, 4-5 बीन्स को हम छोटे छोटे करके काटे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अदरक हम काट लिए छोटे छोटे करके, 4-5 के लिए। लहसुन को भी छोटे छोटे काटे हैं। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के प्याज को हम काटे हैं। अब मैं ये वाला सिमाई यूज करूंगी, ये देख सकते हैं ये इसके अंदर लंबे लंबे बने हुए हैं। तो चलिए फिर, तो यहाँ पे कढ़ाई हम चढ़ा दिए, कढ़ाई गर्म हो चुके हैं। उसमें हम रिफाइंड ऑयल दे देते हैं। तो रिफाइंड ऑयल दे दिया कुछ, यहाँ पे काला वाला सरसों देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कैरी पत्ता भी यूज कर सकते हैं। तो सरसों हमारा फट चुका है, अब हम यहाँ पे देंगे अदरक लहसुन और प्याज। इसको हल्का सा 1 मिनट हम चला लेंगे ताकि इसका जो अच्छे से थोड़ा कलर भी चेंज हो जाए, और लहसुन का अदरक का प्याज का जो कच्चा जो फ्लेवर है वो चेंज हो जाए। तो अगर करी पत्ता आपको पसंद है तो इसमें करी पत्ता आप दे सकते हो, अगर नहीं है तो ना दे कोई बात नहीं। तो करीब 1 मिनट हम चला लिए हैं, देख सकते हैं लहसुन का कलर भी चेंज हो चुके हैं और प्याज भी हल्का हल्का कलर आ चुके हैं। अब जो यहाँ पे हम सब्जी दिखाए थे गाजर शिमला मिर्च और बीन्स दे देंगे। दे देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके अंदर हम हल्दी यूज नहीं करेंगे, तो नमक दे दिए। फ्लेम को जो है हम मीडियम रखे हैं। सब्जी को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे 1.5 मिनट चला कर। तो 1.5 मिनट जो है हम चला लिए हैं, सब्जी में हल्का हल्का कलर आने लगे हैं। अब इसी टाइम पे हम देंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा देंगे लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे हरी मिर्च भी यूज कर सकते हो। और दे देंगे हम एक मैगी मसाला दे देंगे पूरा, जो छोटा वाला पोस आता है ना, कितने रुपये, 5 रुपये का पोस आता है, वो हम दे देंगे। और साथ में दे देंगे एक समाई का जो गट्टे हैं वो हम दे देंगे, तो तोड़ के दे देंगे। देने के बाद समय के साथ मसाला को जो है थोड़ी सी हम चला लेते हैं। ये तो ये नहीं करना है हमें। अब जो है हम थोड़ा सा पानी दे देंगे ताकि मसाला जो है हमारा अच्छे से पक जाए। ज़्यादा हमें पकाना भी नहीं है, नहीं तो ये एकदम चिपचिपा हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कितना थोड़ा कम पानी दिए हैं ताकि मेरा सिवाई जो है अच्छे से खाली पक जाए। सब्जी तो ऑलरेडी जो है 50% पक चुके हैं और 50% इसके साथ पक जाएगी। तो नमक हम पहले से दे के रखे हैं स्वाद अनुसार, और फ्लेम को जो है एकदम हम स्लो कर देंगे और समय को जो है हम थोड़ा ढक देंगे। हिला देते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स जरूर बताएं मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लग रही है। अच्छे लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। ये बहुत जल्दी और झटपट बन जाती हैं। जो है हम इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए।
तो 2 मिनट हो चुके हैं, बीच में एक बार हम चला दिए थे ताकि ये नीचे जले ना। अब जो है हमारा रेडी है, एकदम रेडी है। हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स रेडी है, देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में। जो हम सिवाई यूज़ किए हैं, आपके पास अगर ना हो तो आप कोई दूसरा सिवाई यूज़ कर सकते हैं। सब्जी इसमें आपका मन चाहा आप यूज़ कर सकते हैं, पत्ता गोभी वगैरह भी इसमें दे सकते हैं। तो हम ये 3 ही सब्जी यूज़ किए हैं। तो कैसे लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।